स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी और यह फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वह सभी तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे रोस्टर फॉर्म, शेड्यूल्ड फॉर्म या फंक्शन एज अ मशीन कैसे वर्क करता है, यह सब बातें हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शंस। तो शुरुआत में हम लोग यहाँ पे कुछ फंक्शंस आज देखेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियल फंक्शन। तो देखिए रियल फंक्शन क्या होता है, तो कहा गया अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड रियल फंक्शन इफ डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ आर। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज रियल नंबर का सबसेट हो, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे रियल फंक्शन। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इस फंक्शन का डोमेन 1, 2, 3 है ना, और रेंज क्या है 4, 5, 6, या कोडोमेन क्या है 4, 5, 6, ये दोनों जो है वह रियल नंबर के सबसेट हैं, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे रियल फंक्शन। अब देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, यह कहा गया कि अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ आर। मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन में डोमेन जो है वह रियल नंबर का सबसेट हो ना हो, लेकिन जो रेंज है वह रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, यह नेसेसरी है। अगर ऐसा है तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए डोमेन एक्स वाई जेड है, रेंज इसका 1, 2 है। अब यहाँ पे देखिए, यह जो एक्स वाई जेड है यह रियल नंबर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो यह रेंज है 1, 2 यह रियल नंबर का सबसेट है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत से राइटर दोनों में कोई अंतर नहीं रखते हैं, रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन एक ही वे में बात करते हैं, लेकिन इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है और उस डिफरेंस को हमने यहाँ पर बताया। मतलब रियल फंक्शन में डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर के सबसेट होंगे, जबकि रियल वैल्यूड फंक्शन में डोमेन सबसेट होना हो लेकिन रेंज का रियल नंबर का सबसेट होना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो कहा गया कि यह फंक्शन एफ आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू के। के क्या है, कोई कांस्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन जिसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, जो इमेज आएगी वह एक कांस्टेंट आएगी, वह कांस्टेंट के मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर 2 है, एफ एक्स ओवर 2 है, इसका मतलब एक्स आप 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो जो इमेज आएगी वह 2 आएगी। मतलब क्या, ऐसा फंक्शन जिसमें आप एक्स कुछ भी सब्स्टिट्यूट करिए, कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करिए, उसकी जो इमेज है एक फिक्स कांस्टेंट आए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो ठीक है ऑब्वियसली यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो डोमेन इसका आर होगा। रेंज जो है सिंगलटन सेट के होगा, मतलब ये जो के होगा वही सबकी इमेज आएगी। मतलब क्या कि अगर एग्जांपल के तौर पे कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो इसका रेंज हो जाएगा सिंगलटन सेट में 2। ठीक है, अब देखिए ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, के है। अगर हम एक्स की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो भी वाई के आएगा, 1 लेंगे तो भी के आएगा, 2 लेंगे, कोई भी नंबर एक्स एक्सिस पे लेंगे तो सबकी इमेज के है, मतलब सबकी वैल्यू वाई की वैल्यू सबकी के ही आएगी। तो इसका जो ग्राफ आता है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन है वह आर होता है, रेंज वह कांस्टेंट सेट में होता है, और इसका जो ग्राफ आता है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, यह हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं। कहा गया अ रियल फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दैट इज आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखिए कहा जा रहा है कि एक ऐसा फंक्शन हो जहाँ पे आप x सब्स्टिट्यूट करें तो उसकी इमेज x आए। मतलब क्या, जो नंबर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वही उसकी वैल्यू मतलब उसकी इमेज आएगी। अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करें 2 आए, 3 सब्स्टिट्यूट करें 3 आए, 4 सब्स्टिट्यूट करें 4 आए। तो इस तरह के इमेजेज अगर हम लोगों को किसी फंक्शन से मिल रहे हैं तो ऐसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, और समटाइम्स उसको एफ एक्स बराबर एक्स ना लिख करके आई एक्स बराबर एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन समझ गए कि जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वही उसकी इमेज आएगी। ठीक, और देखिए डोमेन क्या है, तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आर रियल नंबर आ क्या सकता है, करेस्पॉन्डिंग आर रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन और रेंज जो है वह रियल नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 1 रखेंगे 1 आएगा,
टू रखेंगे टू आएगा, इस तरीके से आप इमेजेज पा सकते हैं। अब देखिए डेफिनेशन हो गई, डोमेन रेंज हो गया, अब इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए यह ग्राफ खींचा हुआ है, अगर आप जीरो रखेंगे जीरो आएगा ना, वन रखेंगे वन आएगा, टू रखेंगे टू आएगा, माइनस वन रखेंगे माइनस वन आएगा, तो इसका जो ग्राफ आता है वह इस तरीके से इंक्लाइंड एक ग्राफ आता है जो दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होता है। तो ये ग्राफ किसका हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन का। मतलब देखिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होता है, और साथ में उसका ग्राफ कैसे आता है। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, मॉडुलस फंक्शन। तो क्या कहा गया? अ रियल फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉड एक्स का मतलब क्या है, देखिए यह कहा जा रहा है कि अगर आप मॉड एक्स लिखा हुआ है तो मॉड एक्स का मतलब माइनस एक्स अगर एक्स जीरो या जीरो से छोटा है। मतलब क्या, अगर मॉड में आप फाइव रखेंगे तो माइनस टाइम्स आप माइनस फाइव, मतलब कितना हो जाएगा फाइव, माइनस फाइव रखेंगे तो कितना आएगा फाइव, माइनस सेवन रखेंगे तो क्या होगा माइनस टाइम्स आप माइनस सेवन, मतलब कितना सेवन, माइनस एट रखेंगे कितना एट। इसका मतलब है कि कहने की मीनिंग यह है कि अगर आप निगेटिव नंबर रखेंगे तो उसका साइन चेंज कर देंगे, जैसे माइनस सेवन रखेंगे तो क्या आएगा साइन चेंज करके सेवन, माइनस एट रखेंगे क्या आएगा एट। तो हर निगेटिव नंबर आप रखेंगे, जीरो या जीरो से छोटा नंबर रखेंगे तो उसकी जो इमेज आएगी वह भी पॉजिटिव आएगी, या जो माइनस लगा हुआ है वह एक्स के साइन को न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब आप कहने का मतलब यह है कि अगर माइनस फाइव रख रहे हैं तो मॉडुलस वैल्यू उसकी फाइव आएगी, जीरो है तो खैर आप इसलिए जीरो, पॉजिटिव नंबर रखेंगे या जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो खैर जीरो ही, लेकिन अगर जीरो से बड़ा पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो वही उसकी इमेज आ जाएगी। जैसे आप टेन रखेंगे मॉड में तो टेन आएगा, ट्वेंटी रखेंगे ट्वेंटी आएगा, थर्टी रखेंगे थर्टी आएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो उसकी वैल्यू वही होगी, अगर निगेटिव नंबर रखेंगे तो उसकी वैल्यू मतलब साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे माइनस टेन रखेंगे तो टेन, माइनस फिफ्टीन रखेंगे तो फिफ्टीन, इस तरीके से इमेजेज आती हैं। अब देखिए डोमेन क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं ना, किसी की इमेज निकालिए, सभी जीरो जीरो से छोटे या जीरो जीरो से बड़े, मतलब सभी रियल नंबर। रेंज क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो आंसर आएगा कभी निगेटिव नहीं आएगा, है ना, या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा नंबर ही आएगा, मॉडुलस वैल्यू कभी निगेटिव तो आएगी नहीं ना। तो इसका रेंज होता है जीरो से इन्फिनिटी, मतलब इसका जो रेंज होगा वह पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो होगा। अब देखिए ग्राफ देखते हैं, जीरो रखेंगे जीरो, वन रखेंगे वन, टू रखेंगे टू, थ्री रखेंगे थ्री, लेकिन अगर माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन नहीं, माइनस रखेंगे तो वन, माइनस टू रखेंगे तो टू। तो देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ आता है वह वी शेप्ड ग्राफ आता है, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वह वी शेप का होता है, और इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं होता है। उसका रीजन है कि जो इमेजेज हैं उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। तो यह जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रा किया यह मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसकी ज़रूरत हम लोग को आगे बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अब देखिए एक और फंक्शन देखते हैं, साइनम फंक्शन। बहुत से लोग इसको सिग्नम पढ़ते हैं, हालांकि इसको साइनम पढ़ना चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, अ रियल फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या कहा जा रहा है, अगर जीरो या जीरो से छोटा नंबर रख रहे हैं, मतलब निगेटिव नंबर रख रहे हैं, तो सबकी इमेज माइनस वन आएगी। जैसे आप माइनस टू रख रहे हैं तो इमेज माइनस वन, माइनस टेन रख रहे हैं तो भी माइनस वन, माइनस ट्वेंटी रख रहे हैं तो भी माइनस वन, मतलब हर निगेटिव नंबर की इमेज माइनस वन। हाँ, जीरो रख रहे हैं तो उसकी इमेज जीरो, और हर पॉजिटिव नंबर की इमेज वन। जैसे आप टेन रखेंगे कितना आएगा वन, ट्वेंटी रखेंगे वन, हंड्रेड रखेंगे वन, मतलब हर पॉजिटिव नंबर की इमेज वन आएगी। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं साइनम फंक्शन। देखिए डोमेन क्या है, तो क्या रख सकते हैं भाई, आर रियल नंबर सबकी इमेज आएगी, है ना, तो डोमेन आर हो गया। लेकिन रेंज में इसमें तीन ही वैल्यूज हम लोग पाएंगे, माइनस वन, जीरो या फिर वन। तो इसका मतलब इसका रेंज हो गया सेट में माइनस वन, जीरो और वन। ग्राफ देख लेते हैं, देखिए जीरो रखेंगे जीरो पाएंगे, बोल्ड कर दिया, लेकिन जो ही जीरो से बड़ा नंबर रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे ना, तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगी। वन रखेंगे वन, टू रखेंगे वन, थ्री रखेंगे वन, हर पॉजिटिव की वैल्यू वन, तो यह ग्राफ खींचा गया। और वैसे हर निगेटिव की वैल्यू माइनस वन, तो इधर ग्राफ इस साइड दिखा। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जीरो पे देखिए तीन जगह वैल्यू दिख रही है, लेकिन जो बोल्ड है जीरो पर जीरो ही इंक्लूड है, यह वाली वैल्यू जीरो के लिए या जीरो के लिए नहीं है। जो हालो है वह एक्सक्लूडेड है, मतलब जीरो पे वो वैल्यू एक्सेप्ट
नहीं करेंगे। तो ये जो ग्राफ है वह साइन एम फंक्शन का है, ये साइन वर्ड से बना हुआ है क्योंकि इसकी जो इमेज है वह साइन पे डिपेंड करती है, निगेटिव है या पॉजिटिव, तो इस वे में इसको हम लोग कहते हैं साइन एम फंक्शन। कुछ और टाइप के फंक्शंस देखते हैं। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या कहा गया, अ रियल फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए बड़े ब्रैकेट में एक्स, इसको हम लोग कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे कोई इंटीजर रखेंगे तो उसकी वैल्यू वही होगी, जैसे आप टू रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी टू, उसकी इमेज कितनी आएगी टू, थ्री रखेंगे उसकी इमेज थ्री, फोर रखेंगे उसकी इमेज फोर, अगर आप कोई इंटीग्रल वैल्यू रखते हैं तो उसकी इमेज वही आएगी। लेकिन अगर आप नॉन इंटीजर रखते हैं, नॉन इंटीजर मतलब जैसे 2.1, तो कहा जा रहा है कि उसकी इमेज क्या होगी, एक इंटीजर होगी जो जस्ट प्रीसीडिंग एक्स, अगर 2.1 रख रहे हैं तो इसकी जो इमेज होगी 2.1 के ठीक पहले पढ़ने वाला इंटीजर, तो अब इसलिए कौन सा है 2, मतलब 2.1 की इमेज 2। अगर आप 2.4 रखते हैं तो ये बताइए 2.4 इंटीजर तो नहीं है ना, तो अब देखेंगे कि इसके जस्ट प्रीसीडिंग कौन सा इंटीजर है, तो ठीक है 2, तो इसका मतलब 2.4 की इमेज भी 2। अगर आप 2.9 रखते हैं तो क्या इंटीजर है, नहीं ना, तो 2.9 के ठीक पहले कौन सा इंटीजर आएगा 2, इसका मतलब है कि 2.9 की इमेज भी कितनी 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नॉन इंटीजर नंबर रखेंगे सबकी इमेजेज जो है उसके प्रिसीडिंग इंटीजर आएगी। तो यह इस फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद देखिए इसका डोमेन क्या होता है, तो डोमेन क्या, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, तो डोमेन इसका आर होगा। उसके बाद देखिए रेंज क्या है, तो आंसर आप देख रहे हैं कि इंटीजर रखिए या नॉन इंटीजर रखिए, जो रिजल्ट आ रहा है वह तो इंटीजर ही आ रहा है ना, तो इसका जो रेंज होता है वह जेड। एग्जाम्पल की तरफ देखिए 1 रखेंगे क्या आएगा 1, इंटीजर है तो 1 रखेंगे तो 1, 1.1 रखेंगे तो 1.1 नॉन इंटीजर है तो इसकी वैल्यू कितनी 1, 1.9 रखेंगे नॉन इंटीजर है ना तो 1, -1.2 रखेंगे तो ध्यान देंगे -1.2 इंटीजर तो नहीं है ना, तो -1.2 की जस्ट प्रीसीडिंग, तो लेफ्ट में देखेंगे तो -2 होगा, मतलब -1.2 की जो इमेज होगी -2 होगी। अब देखिए ग्राफ खींच लेते हैं, 0 रखेंगे 0, ठीक है 0.1 रखेंगे तो कितना 0 ही, क्योंकि 0.1 के पहले इंटीजर 0 आता है ना, 0.8 0.99 रखेंगे तो वैल्यू 0 ही रहेगी, लेकिन जो ही 1 रखेंगे 1 हो जाएगा ठीक। अब देखिए 1.1 रखेंगे तो उसकी नॉन इंटीजर है 1.1 तो भी वैल्यू 1, 1.2 तो 1, 1.3 तो 1, 1.99 तो 1, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा। लेकिन जो ही आप 2 रखेंगे या 0 नहीं 1 नहीं होगी 2 हो जाएगी, 2 इंटीजर है तो उसकी वैल्यू 2, 2.1 तो 2, 2.3 तो 2, 2.99 तो 2, तो इस टाइप का ग्राफ आगे भी कंटिन्यू रहेगा। निगेटिव रखिए, देखिए 0 से जस्ट छोटा 0 -0.1 तो वैल्यू कितनी -1, फिर -0.5 तो -1, -1 रखेंगे तो -1, इस तरह से फिर ऐसे इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके का इसका ग्राफ आता है। मतलब डेफिनेशन आप समझ गए, डोमेन क्या है, रियल नंबर है, रेंज क्या है, इंटीजर है, और इसका जो ग्राफ आता है वह स्टेप की तरह आता है, तो कभी कभी इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और डेफिनेशन क्या है कि अगर आप इंटीजर रखते हैं तो उसकी वैल्यू वही आएगी, नॉन इंटीजर रखेंगे तो उसकी वैल्यू एक नंबर होगी, एक इंटीजर होगी जो उस नंबर के जस्ट प्रीसीडिंग होगी, जैसे 2.5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 होगी ठीक है। अब हम लोग देखिए एक फंक्शन देखते हैं, स्क्वायर फंक्शन क्या है, अ रियल फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर फंक्शन। देखिए ये फंक्शन लोग जानते हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप जो नंबर रखेंगे उसका स्क्वायर कर दे, तो इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर फंक्शन ठीक है। अब देखिए इसमें आप 2 रखेंगे है ना तो 4, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 16, तो इस फंक्शन को हम लोग स्क्वायर फंक्शन कहेंगे। देखिए डोमेन क्या होता है, तो डोमेन इस फंक्शन का आर, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन जो रेंज होगा वह देखेंगे कि 0 या 0 से बड़ा आएगा, क्यों भाई, अगर कोई भी नंबर रखेंगे निगेटिव ही रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्क्वायर जो है 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, इसलिए इसका रेंज 0 टू इन्फाइनाइट होगा। ग्राफ खींचे देखिए, 0 रखिए 0, 1 रखिए 1, 2 रखेंगे 4, तो इसका यह ग्राफ इस तरीके का होता है, मतलब यह बढ़ता हुआ ग्राफ ऐसे, -1 रखेंगे तो भी 1 पॉजिटिव हो जाएगा, -2 रखेंगे 4, तो इसका ग्राफ इस तरीके का पैराबोलिक ग्राफ होता है, हालांकि पैराबोला हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन नीचे नहीं आ रहा है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब है कि कोई भी इमेजेज जो है इसमें नेगेटिव नहीं होती है। तो स्क्वायर फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन आर रियल नंबर, रेंज क्या 0 टू इन्फिनिटी,
और ग्राफ इसका हम लोग देख पाए। इसी तरीके से देखिए हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन। देखिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन तो एक ऐसा फंक्शन जो यह फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी मतलब जीरो से लेके पॉजिटिव नंबर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन। आप इसमें देखिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यों, क्योंकि आप इसमें देखिए जो भी नंबर रखेंगे वो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। नंबर भी आप पॉजिटिव रखेंगे, जीरो भी रख सकते हैं, जीरो से लेके पॉजिटिव, जैसे फोर रखेंगे टू आएगा, सिक्सटीन रखेंगे फोर आएगा। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, जीरो से छोटे नंबर नहीं रख पाएंगे, जीरो या जीरो से बड़े नंबर ही रखने पड़ेंगे। और जो इमेजेज आएंगी वह भी जीरो या जीरो से बड़ी आएंगी, मतलब डोमेन क्या जीरो टू इन्फाइनाइट और रेंज भी जीरो टू इन्फाइनाइट। ग्राफ के देख लेते हैं, देखिए जीरो रखेंगे जीरो, वन रखेंगे वन, अब देखिए टू रखेंगे तो वन पॉइंट समथिंग है ना, कम तो यह बढ़ता तो जरूर है लेकिन बढ़ने का रेट स्लो होता है। इस तरीके का इसका ग्राफ आएगा, ग्राफ का कोई भी पोर्शन किसी और क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन। यह ध्यान दीजिए कि इसका डोमेन जीरो टू इन्फिनिटी और रेंज भी जीरो टू इन्फिनिटी होता है। और देखिए कुछ और फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक टर्म लोग यूज करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो हम लोग पॉलिनोमियल टेंथ में पढ़ चुके हैं, एफ एक्स बराबर कोई पॉलिनोमियल लिख दिया गया तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। तो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, आप पॉलिनोमियल जानते हैं उसी को हम लोग कह देते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। एक और टर्म हम लोग देखते हैं रेशनल फंक्शन। तो देखिए रेशनल फंक्शन क्या होता है, कोई फंक्शन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं रेशनल फंक्शन। और कुछ और भी छोटे छोटे फंक्शंस हैं, छोटे टर्म्स हैं, जैसे लीनियर फंक्शन। तो कोई फंक्शन अगर इस तरीके का हो एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहेंगे लीनियर फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस देखे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी देखे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट रेंज फंक्शन, ये साइनम फंक्शन, यह सब इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कुछ ऐसे फंक्शंस थे जिसको हम लोग पिछले क्लास में या आज के पहले जानते थे, हालांकि फंक्शन नाम भले नहीं जानते हों लेकिन फंक्शन का जो डेफिनेशन है उस पर्टिकुलर फंक्शन की किसकी, जैसे स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो यह सब हम लोग किसी न किसी फॉर्म में पीछे पढ़ चुके थे, उसको भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अभी देखिए कुछ और टाइप के फंक्शंस होते हैं, स्पेशली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यह दो खास टाइप के फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ पा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए, डेफिनेशन क्या है, डोमेन, रेंज और साथ में उसका ग्राफ क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलर टाइप के कुछ और फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन के तौर पर आगे उनका यूज हम लोग कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।